आइए हम भीतर की इस खोज तलाश में इस राह पर उतरे, सुरती को जगमगाए, लगातार भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना। देखना स्वाभाविक हो, कोई कोशिश ना की जाए, कदाचित भी कोई यत्न प्रयास कोशिश नहीं करना, स्वाभाविक रूप में पलके मूंदते ही देखना उद्घाटित हो जाता है, देखना शुरू हो जाता है। भले अंधेरों से मुलाकात हो रही है, सन्नाटों से हो रही है, तुम जागे जागे हर स्थिति को, हर हालात को देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, वॉच, सिंपली वॉच, वॉच। मन से हटकर की मन की गति को देखना, थोड़ा डिस्टेंस माइंड से डेवलप करना, डिस्टेंस रखना, देखना डेवलप होता चला जाए तो सेल्फ डिस्कवरी में तनिक मात्र देर नहीं लगेगा। ये सुपर साइंस की लैब, तुझको अपना स्वरूप प्रदान करेगी, तेरा होना, तेरी एग्जिस्टेंस प्रदान करेगी। लगातार भीतर की ओर रहना। हम कितना भी माइंड में खो जाएं, विचारों में खो जाएं, कितना भी पास्ट में खो जाएं, फ्यूचर में खो जाएं, तनिक मात्र प्रवाह ना करना, निराश नहीं होना। आदतवश, ड्यू टू हैबिट्स, हम माइंड से जुड़े रहते हैं, जुड़ गए हैं, माइंड ही हो गए हैं हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता, विद्या, इग्नोरेंस यही है कि हमें मालूम नहीं। हाँ, माइंड हो गए। वेस्टर्न फिलोसफी माइंड तक गए, ईस्टर्न फिलोसफी पर्टिकुलरली फिलोसफी ऑफ लाइफ इन इंडिया इज बियॉन्ड माइंड अवेलेबल इन एवरी फॉर्म इन साइड। इट डील्स विद दी एक्सिस्टेंस। योर ट्रू नेचर इज टू वॉच ओनली, बी वॉचफुल। किसी भी थॉट को देखते ही थॉट डिसअपीयर होता है। अगर वो ज्यादा देर तक खड़ा है तो समझ लीजिएगा आपने बहुत लंबा शॉट लिया है, किसी सोच विचार का बहुत लंबा शॉट लिया है, इसलिए वो बहुत देर तक रुका रहता है। परंतु तुझे तो देखना है कोई कितनी देर तक रुका रहे विचार, कितना भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तुझे उसमें लॉस्ट नहीं होना, तूने तो देखना है। कछु दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, कहीं दिखाई दे, कोई दिखाई दे, हमें तो देखना है निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के, दृष्टा साक्षी
अकर्ता हो जाना है, हमें अपने स्वभाव में लौट आना है। हमें देखने वाले देख रहे, देखना हमारा स्वभाव, देखना एकमात्र अनुभव, अपने अनुभव से जीना एकमात्र इंसानियत है। अपना आप देख लेना, अपने को देखते ही हम इंप्रूवमेंट में, सुधार में उतर जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने भीतर के अंधेरों को स्वीकार करता हो, अपने भीतर के अंधेरों को एंटरटेन करता हो, कदाचित नहीं। भीतर के अंधकार को भी उसी तरह दूर करने का मादा प्यास दर्द रखता है हर इंसान, जैसे बाहर के अंधेरों को दूर करने का। हो नहीं सकता कि मालूम पड़ने के पश्चात आप अपने अंधेरों को दूर नहीं करना चाहेंगे, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। कौन नहीं सुखद स्वस्थ जीवन जीना चाहता, कौन नहीं रिस्पेक्टफुल लाइफ लीड करना चाहता, कौन नहीं हैप्पी हेल्दी वेल्दी स्पिरिट प्राप्त करना चाहता, कौन है ऐसा जो खुशहाल नहीं होना चाहता। क्या आस्तिक क्या नास्तिक, सब सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण आनंदपूर्ण ऊर्जापूर्ण प्रेमपूर्ण जीना चाहता है। यही स्वभाव है हर इंसान का, और हमें बहुत सहज में, बहुत साधारण रूप में मिलता है। अपने ही भीतर जागने से हाथ लगता है। जागना किसके प्रति? अपने ही माइंड के प्रति, अपने अंधेरों के प्रति, अपने ही विचारों के प्रति जागना है। जागना ही जीवन है, जागे जागे रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना। ओ ओंकार आमीन आमन। खुद अपनी को ढूंढा था, मैंने तुझे यूं चाहा था कि खुद अपनी को ढूंढा था। ओ लेना तूने लेना ही लेना, मैंने देना ही देना। ओ नरेन तूने लेना ही लेना, मैंने देना ही देना। ओ राजा भर्तृहरि, खुद अपनी को ढूंढा था, मैंने तुझे यूं चाहा था। बचपन से ही तुझे पुकारता रहा, तू आता जाता रहा, तू ठहर ना पाया, तू रुक ना पाया। आने जाने में तू बहुत कुछ प्राप्त कर गया, जिसके फल स्वरूप परिणाम स्वरूप आज पुनः लौटा है। और महान शिखर सम्राट की, तूने अपना भीतर का साम्राज्य नहीं भूला, तू अपने भीतर की किंगडम को, एम्पायर को नहीं भूला, तू अपने संस्कार नहीं गिरा सका। मैंने तुझे यूं चाहा था, तू बिल्कुल वैसा निकला, तू बिल्कुल वैसा निकला
जैसे मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, तू बिल्कुल वैसा निकला, तू बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैंने सोचा था। कुर्बान मुर्शिद कुर्बान अपने शगिर्द पर सुराही की तरह उतर गया, महासागर की तरह छलक गया। आह वाह रे सम्राट, दीन दरिद्र होकर के आया था तो शहनशाहों का शहनशाह हो गया, तो सारे विश्व की धरा पर समा गया, तो सारे विश्व के हृदय में छा गया, तो वर्ल्ड का सम्राट हो गया। ओ भर्तृहरि, तो क्या गजब का छलकता हुआ पैमाना बन गया कि तेरे पे मुर्शिद कुर्बान हो गया, तेरे पे मालिक कुर्बान, सारा अस्तित्व लेकर के उतर गया। वाह रे वाह, मेहरबान हो गया। सावन की बादलों की तरह मंडराता हुआ बरस गया, मानसून की तरह बरसा, और भटके जीव को भगवत्ता का महान शिखर बना दिया, रूपांतरित कर दिया। तू बिल्कुल ऐसा निकला, तू बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था। मैंने तुझे यूं चाहा था, खुद अपने को ढूंढा था तुझ में, खुद अपने को ढूंढा था। मैंने तुझे यूं चाहा था, मैंने तुझे, महासागर कहता है बूंद को, खुद अपने को ढूंढा था, खुद अपने को ढूंढा था। दीवाना भर्तृहरि भी खूब खूब बता रहा है, खूब खूब आवाज उठा रहा है। मुर्शिद की आवाज के साथ साथ अपनी बात भी रख रहा है, वो अभी साथ साथ पंख फैला रहा है, जैसे माँ पक्षी अपने बच्चे पक्षी की पंखों पर चोंच मार मार करके उसको जताता है, जताती है। तू भी मेरी तरह पंख रखता है, तू भी मेरी तरह पंख फैला सकता है, तू भी मेरी तरह उड़ारी मार सकता है, क्यों भयभीत है, क्यों डरा डरा है, अरे क्यों क्यों इतना भयभीत है, क्यों यूं ही कटघरे में पड़ा है। देख मेरी ओर, मैं आसमान तक उड़ारी मार सकती हूं, तू भी मार सकता है, तेरे में भी वही क्षमता है, तेरे में भी वही सक्षमता है, जरा अपनी पंख फैला, बाहर निकाल इनको।
अपने स्वप्न दिखाता जा, अपने स्वप्न दिखाता जा, अपने स्वप्न दिखाता जा, मेरी तरह वो भी तो मेरे जैसा था। अगर मैं भी प्यासा था तो मेरा मुर्शी तो मेरे से भी ज्यादा प्यासा है मेरे लिए। क्या गजब अनुभव किया है मुर्शिद के द्वार पर शगिर्द ने, प्यासे दीवाने ने। मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना करुणाजनक होकर के बरस सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनायास तुम सावन की तरह बरस जाता है। मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं हैरान रह गया अनएक्सपेक्टेडली। स्वयं अनुभव कर रहा हूं तेरे भी सपने हैं। ओह मालिक और जागे पुरुष, तेरे भी सपने हैं, तू भी चाहता है। हाँ मैं भी चाहता हूं मेरी तरह सब जगमगा जाए, मेरी तरह सब जागृत पुरुष हो जाए, मेरी तरह सब शिखरों के मालिक हो जाए, और तेरे जैसा प्यासा दीवाना आए मेरे शिखरों को नतमस्तक होने के लिए, तो मैं तुझे क्या छोड़ूंगा। अपने स्वप्न दिखाता जा, अपने स्वप्न दिखाता जा, वो भी तो मुझे जैसा था, वो भी तो मुझे जैसा था, वो भी तो मुझे जैसा था, वो भी तो मुझे जैसा था। गजब देखा, ओ बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, ओ दुनिया के मालिक, मेरे गुरु गुरु गोरक्षनाथ, गोरखनाथ जी, ये करामात, ये चमत्कार पहली बार देख रहा हूं कि तू भी पतंगे परवानों को कम नहीं चाहता। अगर तू उनके लिए मंजिल है, वो तेरे लिए मंजिल है, वो तुझको चाहते हैं और तू उनको। आज मैं पहली बार देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, क्या गजब चमत्कार देख रहा हूं, मिरेकल ऑफ मिरेकल देख रहा हूं कि तू भी चाहता है। तेरी आंखों में भी आंसू बरसते हैं, तेरे में भी प्रेम का महासागर छलकता है, तू भी इतना ही ललायत है अपने पतंगे परवानों के लिए, दीवानों के लिए, जितने वो तेरा लिए। अपने स्वप्न दिखाता जा, अपने स्वप्न दिखाता जा, वो भी तो मुझे जैसा था, वो भी तो मुझे जैसा था, मैंने तुझे यूं चाहा था, मैंने तुझे यूं चाहा था, खुद अपने को ढूंढा था तुझ में, खुद अपने को ढूंढा था तुझ में, खुद अपने को ढूंढा था। Thank you.
कि तेरी अपनी प्यास नहीं बुझी, मेरी प्यास क्या बुझाएगा। नहीं कहा, ऐसी मूर्खता मूर्खता अहंकार नहीं जताया उस प्यासे दीवाने ने, ऐसा नहीं कहा। मैं तो हैरान हो गया कि तेरी ही प्यास नहीं बुझी, तू मेरी प्यास क्या बुझाएगा। नहीं, शिखर मुर्शिद के ऐसे नहीं, तू तो स्वयं तृप्त नहीं, तो मुझको तृप्त क्या करेगा। गलत, जागे पुरुष के शिखर सदा तृप्त हैं, किंतु जब उसके द्वार पर कोई प्यासा दीवाना लहलहाता हुआ मतवाला पतंगे परवाने की तरह आता है, तो वह भी पूरा पूरा बरस जाता, ऐसे बरसता है कि कोई कसर नहीं, कोई सीमा नहीं। क्या बरसेगा उसके चरणों में, क्या उतरेगा, क्या बरसेगा, क्या आंसू छलकाएगा दीवाना, जो वो दयावान छलकाता है। साथ वो मेरा क्या देता, साथ वो मेरा क्या देता, वो खुद भीड़ में तन्हा था। ओ राजा भर्तृहरि, तेरे प्रति कह रहा हूं, सारी जवानी गर्क करके आने वाले, मैं तुझे बचपन से पुकार रहा था। साथ वो मेरा क्या देता, साथ वो मेरा क्या देता, वो खुद भीड़ में तन्हा था। तू तो ओ भर्तृहरि बेटे, तू तो भीड़ में तन्हा था, वो तो भीड़ में तन्हा था। मैंने तुझे यूं चाहा था, खुद अपने को ढूंढा था, खुद अपने को ढूंढा था। बहुत गहरा है प्रेम, अनन्य प्रेम बहुत गहरा है, एकत्व की स्थिति प्रदान करता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। दोनों को डुबो देता है, ना भक्त ना भगवान, ना स्वामी ना सेवक, ना संत ना साधक, दोनों डूब गए एक में, एकत्व की स्थिति आई। बहुत गजब कहता है राजा भर्तृहरि, मेरे मुर्शिद बहुत देर हो गई, बहुत देर के बाद मिलन। मैं उस घटना को हजारों बार नतमस्तक होता हूं जिसने तेरे द्वार पर मुझे पहुंचा दिया, मैं उसका करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं। वो तनिक मात्र भी दुर्घटना नहीं थी, वह तो परम घटना थी जिसने मेरा मुख मोड़ दिया माइंड से मैस्टर की ओर। मुझको मिला मेरे बाबा, मुझको मिला एक उम्र के बाद,
मुझको मिला तो मुझे को मिला एक उम्र के बाद जो मेरी उम्र का हिस्सा था जो मेरी दोनों मिलके गाते हैं सारी भारत की संस्कृति गुरु शिष्य की एकमात्र धारा में उतरती हुई छलकती हुई जगमगाती हुई आकाशवत होती हुई सारे के सारे विश्व की धरा पर उतरी ये है एकमात्र शाश्वत आत्मिक प्रेम का जगमगाता नूर जहां दो एक हो जाते हैं दोनों गुरु से मिलकर के गा रहे हैं दोनों की ओर से ही ये बात चल रही है ये बात दोनों ओर से सही है मुझे को मिला तो देने वाला लेने वाला मुझे को मिला एक उम्र के बाद मुझे को मिला एक उम्र के बाद जो मेरी उम्र का हिस्सा था जो मेरी उम्र का हिस्सा था जो मेरी उम्र का हिस्सा था जो मेरी उम्र का बहुत देर बाद मिला तू मुझे मिला मैं तुझे मिला तेरे लिए मैं बहुत देर कर गया और मैंने अपने लिए बहुत देर कर गया जीवन का हिस्सा उम्र का हिस्सा जन्म से ही था जन्म जन्मांतरों से था कितनी देरियां दूरियां लग गई उसको उपलब्ध होने में मुझको मिला मुझको मिला एक उम्र के बाद जो मेरी उम्र का हिस्सा था जो मेरी उम्र का हिस्सा था मैंने तुझे यूं चाहा था मैंने तुझे यूं चाहा था खुद अपने को ढूंढा था खुद अपने को ढूंढा था मैंने तुझे यूं चाहा था मैंने हो विराज चाहा था मैंने तुझे मैंने तुझे